तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं कुछ दिनों से घर से बाहर था, इसलिए मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं, तो आज से डेली वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो भाई लोग, यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है तो ऐसे में आप सबको पता होगा कि फ्री फायर गेम पे लक रॉयल के अंदर एक न्यू इवेंट दिया गया है जो कि स्पेस पिकर रॉयल नाम से है। जैसे कि आप सब यहाँ पे इस इवेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस इवेंट के माध्यम से 4 रियर बंडल और 2 इमोट और दोस्तों एक बैकपैक का स्किन दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस इवेंट के माध्यम से अपने फ्री फायर आईडी पे बंडल या फिर इमोट निकालना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास डायमंड होना चाहिए, ये तो आप सब जानते ही होंगे। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि यदि आप स्पेस पिकर रॉयल नाम का जो इवेंट है इसके माध्यम से बंडल या फिर इमोट निकालना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास मैक्सिमम कितना डायमंड होना चाहिए? नहीं जानते हैं ना? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में स्पेस पिकर रॉयल नाम का जो इवेंट दिया गया है इसके माध्यम से बंडल निकालने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना डायमंड खर्च होता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आपके पास मैक्सिमम कितना डायमंड होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पिछले वीडियो का डायमंड गिव अवे कर देता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर वीडियो के अंदर मैं डायमंड गिव अवे करता हूँ। जैसे कि इस वीडियो के नीचे मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था, तो इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ से सिंपली से कॉपी कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों, वाडी कमेंट पिकर के माध्यम से गिव अवे विनर बना लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो सिंपली से मैं यहाँ पे गेट यूट्यूब कमेंट के ऊपर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे उस वीडियो के नीचे आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए होंगे वो सारे कमेंट यहाँ आ जाएगा। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे सारे कमेंट आ चुका है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज का गिव अवे विनर कौन बनता है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो भाई लोग, आज का डायमंड गिव अवे विनर बना है निंजा वाईटी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से निंजा वाईटी भाई का जो यूआईडी है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इनके आईडी पे 583 डायमंड का टॉप अप भेज देता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप अगले वीडियो का डायमंड गिव अवे विनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे अपने दिल से एक प्यारा सा कमेंट करना है और कमेंट के साथ अपना फ्री फायर यू आईडी डालना है और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी करना है। जैसे कि भाई लोग, मैंने यहाँ पे निंजा वाईटी भाई के आईडी पे 583 डायमंड का टॉप अप भेज दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आईडी ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आईडी पे डायमंड ऐड कर लूंगा। तो डायमंड ऐड करने के लिए सिंपली से मैं यहाँ पे डायमंड वाले ऑप्शन पे प्रेस करके सिंपली से मैं यहाँ पे क्रोम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे दोस्तों कार्ड पासवर्ड डाल के सिंपली से कन्फर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरे फ्री फायर आईडी पे 2420 डायमंड ऐड हो चुका है। तो अभी मेरे आईडी पे 2499 डायमंड है, मतलब 2500 डायमंड है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्पेस पिकर रॉयल वाला जो इवेंट है उस पे 2500 डायमंड से स्पिन करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना डायमंड के अंदर मुझे यहाँ पे रियर बंडल में से मिलता है। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे 4 रियर बंडल दिखाया गया है और 2 इमोट और एक बैकपैक दिखाया गया है जो कि स्पिन करने पर मिलने वाला है। तो भाई लोग, यहाँ पे एक स्पिन के लिए 40 डायमंड लगेगा और 400 डायमंड पे यहाँ पे 11 स्पिन मिलने वाला है। तो चलिए भाई लोग, यहाँ पे सबसे पहले 40 डायमंड वाला स्पिन करके देख लेते हैं कि क्या होता है, क्या मुझे यहाँ पे रियर बंडल में से मिलेगा या नहीं। उसके बाद यहाँ पे 400 डायमंड वाला स्पिन करके देखेंगे। तो पहला स्पिन मैंने यहाँ पे कर दिया है 40 डायमंड से। तो चलिए भाई लोग देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिला है एक गन बॉक्स जिसके अंदर एसकेएस का एक स्किन मिला है। तो चलिए भाई लोग फिर से यहाँ पे करते हैं 40 डायमंड से। तो इस बार क्या मिलेगा फिर से यार गन बॉक्स? तो चलिए भाई फिर से करते हैं और देख लेते हैं। अरे यार, ये वाला टोकन मिला है, तो इस वाला टोकन से क्या होगा वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन 40 डायमंड वाला। तो फिर से मैंने यहाँ पे 40 डायमंड वाला स्पिन कर लिया है, तो इस बार क्या मिलने वाला है देख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे टोकन मिला है, तो चलिए और एक यहाँ पे कर लेते हैं 40 डायमंड वाला। उसके बाद 400 डायमंड वाला स्पिन करके देखेंगे। तो इस बार भी नहीं मिला बंडल। तो चलिए अभी यहाँ पे 400 डायमंड से 11 स्पिन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो क्या इस बार मुझे यहाँ पे मिलेगा? तो भाई लोग, यहाँ पे काफी सारे टोकन मिला है और गन बॉक्स मिला है, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे बंडल या फिर इमोट या फिर बैकपैक का जो स्किन है वो नहीं मिला। तो फिर से मैंने यहाँ पे किया है 400 डायमंड वाला स्पिन
और यहाँ पे दोस्तों फाइनली मिल चुका है रियर वाला जो सबसे रियर वाला जो इमोट है वो। जैसे कि फाइनली आप सब देख सकते हैं कि सबसे रियर वाला जो इमोट है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो फाइनली फिर से देखते हैं क्या होता है। अरे यार एक स्पिन के अंदर, अरे यार बैकपैक का स्किन मिल गया यार। तो 400 डायमंड वाला स्पिन में भाई लोग एक स्पिन में ही मुझे यहाँ पे मिला है इमोट और भाई लोग बैकपैक का स्किन। तो चलिए फिर से करते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पे 400 डायमंड वाला स्पिन किया है जिससे 11 स्पिन मुझे यहाँ पे मिला है। तो इस बार भी यहाँ पे नहीं मिला, कभी सिर्फ टोकन वगैरह मिला है। तो टोकन से क्या होगा वो आप अभी यहाँ पे देख लीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भाई लोग आप देख सकते हैं जैसे कि स्पेस पिकर रॉयल वाले इवेंट पे जो बंडल दिखाया गया है उसे मैं यहाँ पे इस वाले टोकन से भी ले सकता हूँ। जैसे कि भाई लोग पहले वाले बंडल के लिए 50 टोकन लगेगा और ये जो 3 बंडल है इसे लेने के लिए 40 टोकन लगेगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्पिन करने पर यदि आपको बंडल नहीं मिलता है तो जो टोकन मिलेगा उस टोकन के माध्यम से भी आप इस बंडल में से किसी भी बंडल को ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे आईडी पे अभी 27 टोकन है। तो चलिए फिर से स्पिन करते हैं और देख लेते हैं यदि मुझे यहाँ पे बंडल नहीं मिलता तो ऐसे में मुझे यहाँ पे टोकन से ही बंडल लेना होगा। तो फिर से मैंने यहाँ पे कर दिया है 400 वाला स्पिन। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार मुझे यहाँ पे बंडल मिल पाता है या नहीं। तो भाई लोग काफी सारे टोकन मिला है यहाँ पे मुझे लेकिन बंडल नहीं मिला। तो चलिए और एक यहाँ पे स्पिन कर लेते हैं 400 डायमंड वाला और देख लेते हैं कि इस बार बंडल निकलता है या नहीं। अरे यार इस बार भी नहीं निकला। तो भाई लोग अभी मेरे आईडी पे 46 टोकन हो चुका है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 40 टोकन से बंडल ले सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे हिप हॉप वाला ये जो बंडल है ओपी वाला इस वाले बंडल को ले लेता हूँ 40 टोकन से। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है हिप हॉप बंडल। तो भाई लोग ऐसे ही आप लोग टोकन से भी बंडल को ले सकेंगे। तो चलिए भाई लोग अभी यहाँ पे इस बंडल को पहन लेते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ओपी वाला ये जो हिप हॉप बंडल है ये मुझे मिल चुका है। तो भाई लोग जैसे कि आप सबने देखा कि मेरे आईडी पे पहले 2499 डायमंड था और अभी मेरे आईडी पे 299 डायमंड है। इसका मतलब 2200 डायमंड मेरा यहाँ पे खर्च हो गया और 2200 डायमंड के अंदर मुझे यहाँ पे एक ही बंडल मिला। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं यहाँ पे इस इवेंट को फुल कंप्लीट करना चाहूंगा और 4-4 बंडल को लेना चाहूंगा तो ऐसे में कितना डायमंड मेरा खर्च हो सकता है ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने ये देखा कि एक बंडल निकालने के लिए मेरा 2000 से भी ज्यादा डायमंड खर्च हो गया जो कि बहुत ही बड़ी बात हो जाते हैं। तो यदि आप स्पेस पिकर रॉयल इवेंट के माध्यम से बंडल निकालने के लिए सोच रहे हैं तो सोच समझ के निकालिएगा क्योंकि दोस्तों इस इवेंट के माध्यम से काफी सारा डायमंड आपका खर्च हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही दिखाना था। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और फिर मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पर प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।